उदासी लग रही हूँ जब बनाया है मुझे भूत ने। हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। बता नहीं कहाँ चले गए हम, किसको कलर लगाए भैया, बाल कटवाने चले गए। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? हलवा। हलवा। अरे क्या है? और किचन में देखते हैं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? तो कढ़ाई में तेल चढ़ गया, चढ़ तो गया। तो एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और छोटी होली पर जो होलिका दहन होती है पूजने वाली, उस पर मैं ससुराल में थी और अभी मॉर्निंग में ही वहां से आई थी, क्योंकि यहां पर बच्चे हैं, भतीजा है मेरा और मेरे बेटे के साथ का ही है, वो उसी के साथ ज़्यादा खुश रहता है। वहां पर बच्चे नहीं हैं इतने, उसका मन नहीं लगा था, तो मैं उसको लेकर आ गई थी। आज का दिन हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। और आज का दिन क्या, अभी हम रुकेंगे, देखते हैं कब तक रुकते हैं। और यहाँ पर मेरी भतीजी कुछ बात कर रही थी, उसने म्यूट करा दिया है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बच्चे, खाना पीना भी हो रहा है और मस्ती भी, पूरा दिन ऐसे ही चला इन सबका खेल कूद मस्ती में। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए और देखिए हमने होली को कैसे मनाया। बच्चे बाहर अपना रंगों में खेल रहे थे और यहाँ पर मूंग दाल की पकौड़ी बन रही है। ये मूंग दाल और उड़द दाल मिक्स थी, जितनी मूंग दाल थी और इतनी ही इसमें उड़द की दाल मिली हुई थी। ये रात को भिगो के इसके बनाई थी, बनती रहती है रेसिपी, कभी बाद में शेयर करेंगे। सब चीज़ बनाई थी, पकौड़े भी थे, पालक के भी, गोभी के भी और आलू की पकौड़ी भी, प्याज की भी, खूब सारी चीज़ें बना के रख दी थी भाभी ने। और इनको पानी में डाल देंगे, तब तक पकौड़ियाँ खाएंगे। और चटनी हरा धनिया है ना, ये घर पर ही लगा रखा है और ये घर का फ्रेश हरा धनिया था, तो वो चटनी बना रही थी हरी मिर्च और हरे धनिए की। और यहाँ पर दही और जो छाछ होती है वो मिक्स कर रखी थी, क्योंकि छाछ भी है ना मट्ठा काफ़ी गाढ़ा रहता है, यहाँ पर घर का दूध है। और ये मैं मिर्च देख रही थी, मैं बोल रही थी इतनी मिर्च खा लेती हो, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है। और ये इमली की चटनी बनाई थी, ठंडी होने के लिए रख रखी है, गरम है ना, थोड़ी सी पतली सी रहती है तो ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी सी लगती है, अच्छी बन रही थी, टेस्ट करके देख लिया था पहले ही। और यहाँ पर दिया, मेरी भतीजी बना रही है चटनी, बिल्कुल फ्रेश धनिया था, इतनी अच्छी खुशबू थी। तो सब चीज़ काट कर रख रही है और ये बच रहा था धनिया, इसको फ्रिज में रख देंगे, बाद में काम आएगा, काफ़ी सारा ले आई थी वो। मज़ा आता है फैमिली में त्यौहार मनाने का। और अगर हम दिल्ली में रहते ना, तो वहाँ पर अकेले बच्चों का मन यहीं पर रहता, तो इसलिए हम होली दिवाली को यहीं पर आते हैं। और पास पास है हमारा घर और माय ससुराल, तो दोनों जगह आना जाना होता रहता है, कभी वहाँ और कभी यहाँ। और घर इतना बड़ा है, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, घर पे ही बच्चे हैं ना इतना एंजॉय कर लेते हैं, अंदर ही काफ़ी सारा खुला है। और ये बच रही थी और बच्चे ही इसको नहीं छोड़ रहे थे, आपस में ही बोल रहा था दिया दीदी को भिगाऊंगा। और बाल्टी भर रखी थी, अगर कलर नहीं मिला ना तो पानी से ही लाल आके खूब डाला है इस पर। Happy Holi. क्या?
अभी दिखाती हूँ, अभी अभी दिखाऊंगी। देखो रिया इधर आना बेटा, रिया की शक्ल देखने लायक हो रही है। हरी हरी रिया साफ कर लिया, देखिए दिया साफ हो गया, ये साफ हो गया। साफ गाल अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं आदि गाओ आदि नहीं। और देख तेरी मामी सुखी है। मामा तो हुए नहीं, मामी तो हुई थी। हाँ मामी को रंगो जा एक प्लेट में पकौड़ी दे। और मामा भी देख, मामा मामा भी सुखा हो रहा। परी मामा तो पकौड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। और ये है दही भल्ले की प्लेट, तो सर्व की है आपके लिए कर दी है। खाइए और इंजॉय कीजिए। बाय।